Hello everyone, it's me, Ritika Gautam from Bharati Group of College, Durg. I hope you all are happy and safe and sound at your home. So today, my topic is the techniques of a selection interview. It's very interesting topic, क्योंकि हम at last हम सबको job करना है और job करने के लिए हमको क्या क्या techniques होते हैं interview के ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि उसकी तैयारी हम तभी कर पाएंगे. तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योर 100% कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉचिंग दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इट्स रिटन इंटरव्यू और मैंने कहा कि मुझे तो आज टेक्निक्स ऑफ सेलेक्शन इंटरव्यू बताना है. सो माई डियर स्टूडेंट, जो इंटरव्यू होता है, सेलेक्शन ऑफ इंटरव्यू इज बेस्ड और इट्स नॉट टोटली रिलेटेड टू इंटरव्यू ओनली. सो लेट मी रिवाइज यू अबाउट इंटरव्यू बिकॉज इन लास्ट लेक्चर आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट इंटरव्यू इन डिटेल एंड इट्स टाइप्स ऑल्सो. सो लेट सी, द वर्ड इंटरव्यू मीन्स व्यू बिटवीन और साइड बिटवीन. It suggests a meeting between two person for the purpose of getting a view of each other or for knowing each other. Because interview is made of two words. You can see inter plus view. जब एक दूसरे को हम समझने की कोशिश करते हैं, उनकी views को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाता है interview. इंटरव्यू जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें जो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों ही आंसर करते हैं. एक क्वेश्चन कर रहा है तो दूसरा उसका आंसर देगा, इसलिए ये क्या कहलाता है, टू वे कम्युनिकेशन. नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. मैंने ये पांच टाइप्स आपको बताए थे, जिसमें जो पहला है सेलेक्शन इंटरव्यू, हम उसका टेक्निक्स देखेंगे कि किस किस टेक्निक से सेलेक्शन इंटरव्यू होता है. सेलेक्शन इंटरव्यू में हमने क्या पढ़ा था, जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम जिस इंटरव्यू को फेस करते हैं तो वो कहलाता है सेलेक्शन इंटरव्यू, करेक्ट. जिसमें हमने पढ़ा था कि इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, करेक्ट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था अप्रेजल इंटरव्यू, विच इज़ डन टू इवेल्यूएट द एम्प्लॉई परफॉर्मेंस, जो साल में एक बार होता था, करेक्ट. नेक्स्ट वन इज ग्रीवेंस इंटरव्यू, इट इज़ लर्न टू नो अबाउट द कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड हेल्प टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय. एग्जिट इंटरव्यू हम उनका लेते थे जो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं उनका, जिससे कंपनी को डेवलपमेंट के लिए हम कुछ उनसे सुझाव ले सकें. नेक्स्ट रिप्रीमेंड इंटरव्यू हम लेते थे जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है और वो यदि कोई डिसिप्लिन में नहीं है तो कंपनी उनको वार्न करती थी. तो ये हम पांच इंटरव्यू हैं. यदि इस पांच इंटरव्यू का डिटेल में आपको देखना है तो मेरा जो लास्ट लेक्चर है इंटरव्यू एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू का आज जो मैं अभी जो आप लेक्चर देख रहे हैं वो देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये. अभी देखिए टेक्निक्स ऑफ सेलेक्शन इंटरव्यू. टेक्निक्स ऑफ सेलेक्शन इंटरव्यू, जब हम जॉब के लिए जाएंगे आगे तो हमको क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं जिससे हमको गुजरना पड़े. पहला प्रोसेस है स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग, सिंस द नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनी जॉब इज वेरी लार्ज, सेवरल फॉर्म्स स्क्रीन एप्लीकेंट. जैसे क्या होता है, जैसे कुछ कंपनी ऐसे होती है जैसे बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत कैंडिडेट आए हुए हैं, यदि बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हुए हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उस एप्लीकेशन से छांटती है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो सूटेबल है उसको रखती है. फिर कंपनी क्या करती है, एक छोटा सा टेस्ट रखती है, प्रिलिमिनरी टेस्ट रखती है, उस बोला जाए इंटरव्यू रखती है. उस इंटरव्यू को यदि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्रॉस करता है तब उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. इन दिस मैथड ओनली वेरी फ्यू हु आर रियली गुड आर कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू. फिर नेक्स्ट है हमारा रेंडम अपीयरेंस.
रेंडम अपियरेंस में क्या होता है, सम इंटरव्यूअर स्टिल बिलीव दैट द मैन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एप्लीकेशन. दे वॉन्ट टू जज अ पर्सन और अ मैन बाई हिज पर्सनल अपियरेंस rather than on the basis of his application. So they call every applicant for interview. This method may once in a while throw some really brilliant candidate in one's way, but it is usually expensive and confusing. कुछ कंपनी क्या करती है, रेंडम अपियरेंस को इम्पोर्टेंट देती है, पर्टिकुलर जज करती है पर्सन को उसके पर्सनल अपियरेंस को. लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि आपको, आप सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो, आप सब कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हो, आपको आप जो मैनेजमेंट है उनका बहुत टाइम भी लग रहा है. तो ये बहुत एक्सपेंसिव भी है और कंफ्यूजिंग टेक्निक भी है. नेक्स्ट है टेस्ट. टेस्ट आज के डेट पे आप देखते होंगे कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है तो उसमें टेस्ट लिया जाता है. जैसे व्यापम लेती है, पीएससी के थ्रू टेस्ट होता है. टेस्ट में जो क्वालिफाइड करता है वो आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. जैसे रिटन टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट भी डिज़ाइन किया जाता है. ये बहुत अच्छा टेक्निक है सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इससे पर्टिकुलर पर्सन का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज को भी चेक किया जा सकता है, जनरल नॉलेज भी चेक किया जा सकता है, उसकी इंटेलिजेंसी भी चेक की जा सकती है. तो ये बहुत अच्छा मेथड है. नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस. ये बहुत ज़्यादा साउंडफुल मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें यह होता है कि इम्पोर्टेंस दिया जाता है एक्सपीरियंस पर्सन को. यदि किसी के पास एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलर जितना एक्सपीरियंस कंपनी मांग रही है, तो सिर्फ वही उसको अप्लाई कर सकता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. बाकी कैंडिडेट जो फ्रेशर है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाते. तो कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट भी छूट जाते हैं. तो ये जो एक्सपीरियंस टेक्निक है ये बहुत साउंडफुल पॉलिसी नहीं होती. नेक्स्ट है हमारा अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू. अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू ये होता है कि कुछ जॉब के लिए, जैसे कि परचेस मैनेजर या फिर बोला जाए सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग, ऐसे कुछ पर्टिकुलर, मैंने ये एग्जांपल दिया है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर पोस्ट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा आपको टारगेट लेवल रहता है कि आपको टारगेट कंप्लीट करना है. तो ऐसे जो जॉब होते हैं उसमें सारे कैंडिडेट सर्वाइव नहीं कर पाते. और कंपनी क्या करती है, यदि वो इंटरव्यू लेती है तो कंपनी का पैसा भी खर्च होता है, उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है. किसी वो एम्प्लॉई को इंटरव्यू लगाए इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो पर्टिकुलर पर्सन को उसकी सैलरी दे रहे हैं, तो पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है. और वो यदि कैंडिडेट कुछ मंथ के बाद छोड़ दे जॉब, तो किसको लॉस है, कंपनी को लॉस है. क्योंकि 3-4 मंथ तक कंपनी ने उसको काम सिखाया, जैसे ही वो काम सीखा वो छोड़ दिया, तो कंपनी को टोटल लॉस है. तो कंपनी क्या करती है, ऐसे कुछ पोस्ट के लिए अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू रखे जाता है. अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू में कैंडिडेट को ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे कंडीशन, ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिससे जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है इंटरव्यू देने आया है उसको अच्छे से जो जजमेंट, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है उसको समझ में आ जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का टेम्परामेंट कैसा है, क्या उसके पास एबिलिटी है इतना स्ट्रेस सहने की, क्या वो सूटेबल है उस जॉब के लिए. तो अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू ऐसे सिचुएशन में या ऐसे पोस्ट के लिए बहुत फ्रूटफुल टेक्निक है. तो हमने टेक्निक्स ऑफ सेलेक्शन इंटरव्यू में ये 5 टेक्निक्स देखे, स्क्रीनिंग, रैंडम अपीयरेंस, टेस्ट, एक्सपीरियंस, अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू. आई थॉट यू ऑल इंजॉयड दिस टेक्निक ऑफ सेलेक्शन इंटरव्यू और आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप ये सारे टेक्निक के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अपना अभी से डेवलपमेंट स्टार्ट कर दीजिए. पढ़ने के साथ साथ अपना कम्युनिकेशन, अपना ड्रेसिंग, अपनी बॉडी लैंग्वेज, सबको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. स्टे सेफ. थैंक यू.